गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। अभी घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है और सब चीज़ें सही तरीके से रखनी है, क्योंकि आज विकास वापस आ रहा है। तो इस वजह से मैं खाना पीना भी बनाना है, ऑफिस का काम भी करना है और घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो अभी इसलिए मैं जल्दी उठ गया हूँ, 6 साढ़े 6 बज रहा है। मेरे पास 11 बजे तक का टाइम है, तो 2-3 घंटे में खाना पीना भी बन जाएगा, साफ़ सफाई भी हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, ताकि वो आ रहा है तो उसको थोड़ा सा अजीब ना लगे ना। जब तक मैं था तो मैं जैसे तैसे रह लेता था, लेकिन वो आ रहा तो मैंने बोला कि थोड़ा घर सही कर देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं। तो चलो साफ़ सफाई करते हैं और आप लोग देखो, विकास आ रहा है तो कुछ घर से सामान वगैरह लेके आ रहा होगा खाने पीने का, तो वो भी मेरे लिए सही हो जाएगा। भाई लोग, पूरा घर की साफ़ सफाई चारों तरफ मैंने कर दी। यहाँ पे सारा कुछ सामान मैंने सही तरीके से रख दिया, खाना बन भी रहा है, और नीचे भी पूरा फर्श साफ़ कर दिया और बाहर का भी पूरा फर्श साफ़ कर दिया है। ये देखो चकाचक कपड़े वगैरह भी सही से रख दिए हैं, बिस्तर वगैरह भी लगा दिया है। तो कोई बैठा है, ये भी एक बैठा है, ठीक है चारों तरफ अपना। अब चलो थोड़ा सा खाना पीना बना लेते हैं। इसमें मैंने मटर उबाल के रखा था, तो मटर है और आलू है, उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं पहले। थोड़े 10 मिनट बाद मेरे को नहाना भी है, तो थोड़ा सा नहा लेंगे और नहाने के बाद फिर अपना ऑफिस का काम पहले शुरू करेंगे। और विकास 2-3 बजे तक आएगा, उसका ट्रेन लेट है 3 घंटे, तो देखते हैं उसको। तो 10 बजे आ जाना चाहिए, 3 बजे तक आएगा कम से कम। तो जल्दी से मैं उसके लिए खाना पीना बना देता हूँ, अपने लिए भी बना लेता हूँ, फिर ऑफिस का काम शुरू करते हैं नहाने के बाद। मटर को उबाल लिया है, ये देखो, और ये आलू है जिसको छील ले रहा हूँ थोड़ा, और एक कढ़ाई रख दिया अभी बनने के लिए। ये हो गया मेरा आलू मटर रेडी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी भी बना देंगे। इतना पानी ठीक है, पानी डाल के थोड़ा सा चला देते हैं, ताकि इसमें ग्रेवी वगैरह बन जाए। मैं नहा धोवा कर रेडी हो गया हूँ और अपना ऑफिस का काम 11 बज गया है। सुबह से ही 6 बजे से उठा था, साफ़ सफाई सारा कुछ करने में लगा हुआ था और नहा धोवा गया। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं वही वाइट टी शर्ट पहनी है, लेकिन नहीं, ये दूसरा टी शर्ट है। वो जो पुराना टी शर्ट था वो ये है, इसको धोऊंगा। मेरे पास वाइट टी शर्ट बहुत है, तो ये दूसरा वाइट टी शर्ट है, क्योंकि वाइट कलर मेरे को पसंद है, वाइट एंड ब्लैक। तो अभी नहा धोवा कर रेडी हो गए और ऑफिस का काम के लिए लैपटॉप चालू कर लिया है, लैपटॉप स्टार्ट है। तो चलो 11 बज गया, खाना पीना तो अभी मैंने खाया नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि विकास आ जाएगा, उसके साथ में ही खाऊंगा, क्योंकि 1-2 घंटे में वो आ जाएगा आनंद विहार, और वहाँ से फिर 10-15 मिनट लगता है मेरे घर आने में। तो चलो, तो थोड़ा बहुत मैं अपना ऑफिस का काम पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर विकास आ जाएगा, साथ में मिलकर खा लेंगे दोनों। विकास आ गया है, ट्रेन उतर गई साई बाबा दी, तो वहीं से पास में ही है, 10-15 मिनट की दूरी पड़ती है हमारी, तो जा रहा हूँ उसको लेके आने। लेके आते हैं फिर खाना पीना खाएंगे। बहुत ज़ोर से यार भूख लग रही है, सुबह से बना के रखा है लेकिन कुछ खाया नहीं मैंने। ये देखिए, तो अब आ गए हैं, सामान वगैरह आया है 2-4, निकालो दिखाओ क्या क्या सामान है। ये देखिए, ये है गुड़ का लड्डू है, तो
ये खाऊंगा। और इसमें है मिठाई है, गाजर का हलवा है, और इसमें क्या है, इसमें खाने के लिए लाया था ये, इसको लिट्टी बोलते हैं, ये है। इसको सब चिपक गया है एक दूसरे के साथ। इसमें नमकीन है, इसको खोलेंगे बाद में खाते वक्त। और ये एक मसाला का डब्बा है। इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं गांव से। ये देखिए इसमें है गाजर का हलवा, इसको जरा आज ट्राई करते हैं, बहुत दिन बाद गाजर का हलवा खा रहे हैं। अच्छा बना है। गाइस अभी इतना कुछ सामान आया है, ये देखिए नमकीन है, इसको मैं लंच में लेके जाऊंगा, चूड़ा है फ्राई करके, इसमें बादाम है, इसमें भी है कुछ खाने के लिए, देख नहीं रहा मैंने देखा नहीं अभी, ठेकुआ है, और इसमें भी कुछ सामान है खाने के लिए। और ये है लाने वाला आदमी, ये लेके आया है अभी। तो चलो काम फिर से दोबारा ऑफिस का अपना शुरू कर लेते हैं, सामान वान रख देते हैं। तो गाइस काम वगैरह ख़त्म हो गया मेरा, और खाना पीना आज बन गया है, अभी चाय पी रहे थोड़ा सा, विकास थक गया था इस वजह से सो गया है, कोई बात नहीं, खाना पीना खा के हम भी सोएंगे। आज का ज़्यादा बड़ा ब्लॉग था नहीं, छोटा मोटा था, इस वीडियो को एंड कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, तब तक के लिए।